नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन में बस्ती पुलिस हुई सख्त। अपराधियों की अब खैर नहीं, कुख्यात एसोसिएटर सहित एक अभियुक्त को छावनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेज तर्रार थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार पांडे की टीम राम जानकी मार्ग के रामरेखा पुलिया के पास से दोनों अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पकड़े गए कुख्यात स्ट्री शीटर देवमणि सिंह उर्फ हुकुम सिंह के ऊपर पहले से ही दर्ज है 22 मुकदमे। दूसरा अभियुक्त विनय कुमार पांडे भी हुआ गिरफ्तार, जिसके ऊपर से पहले से कलवारी थाने में दर्ज है NDPS और 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से एक अदद पिस्टल 32 बोर व 5 अदद जिंदा कारतूस, एक अदद कट्टा 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर पुलिस ने बरामद किया है। CO हरैया शेषमणि उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तार किया है, जिसमें जानकारी दी गई है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए चंद्रकांत पांडे की खास रिपोर्ट। भीड़ उमड़ पड़ी है गंगा स्नान करने के साथ साथ लोग गंगा जल से लेकर घर के लिए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा कई घाटों को रेड अलर्ट जोन में रखा गया है, जिसमें गंगा घाट की व्यवस्था देखकर श्रद्धालु काफी नाखुश दिखे हैं। सबों को एक सुर में कहना था कि प्रशासन की ओर से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है, ना तो बैरिकेडिंग की गई है, ना ही बिजली की व्यवस्था की गई है, ना ही SDRF की टीम की व्यवस्था की गई है। अगर थोड़ी सी भगदड़ हो जाए तो बड़ी घटना हो सकती है। सर, आज कितने अपराधी पकड़े गए और कितने मुकदमे पहले से इन लोगों के ऊपर दर्ज है? थाना अध्यक्ष छावनी दुर्गेश पांडे और उनकी टीम की लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील थी, उसी दौरान थाना क्षेत्र छावनी के रामरेखा पुलिया के पास से दो अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें एक का नाम देवमणि सिंह और हुकुम सिंह पुत्र ईश्वर नाथ सिंह निवासी दरियोना थाना दबौलिया, और दूसरा अपराधी है विनय पांडे पुत्र हरिचंद पांडे निवासी देवखर थाना छावनी का। ये दोनों बहुत ही हीनियस क्राइम करने वाले अपराधी हैं, और जब इसके बारे में काफ़ी गहराई से इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो ये पाया गया कि देवमणि सिंह और हुकुम सिंह के खिलाफ जनपद लखनऊ में 6 और जनपद बस्ती के विभिन्न थानों में कुल 16, इस प्रकार 22 मुकदमे उसके खिलाफ लिखे हुए हैं। और इसी के दौरान देवमणि सिंह के पास से 32 बोर की पिस्टल और एक मैगजीन और साथ में 5 कारतूस बरामद हुआ है, और दूसरा जो अपराधी है विनय पांडे उसके पास से 12 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। विनय के खिलाफ भी उसका आपराधिक इतिहास पाया गया है, उसके खिलाफ भी हमारे जनपद बस्ती के विभिन्न थानों में कुल 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, और ये हमारे थाना छावनी पुलिस का बहुत ही अच्छा वर्क है, जिसकी भूरभूर प्रशंसा की जाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।